Hello friends, I am Adila from Pakistan. I am a cake artist. I make video, vlogs, baking, cooking and much more. If you like anything in my channel, don't forget to subscribe me. Thank you. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर रेसिपी। और जो के है घर में जमाएं मीठा दही, बिल्कुल नेस्ले जैसा, बहुत ही क्विक और आसान तरीके के साथ। रमज़ान स्पेशल में ये आपके लिए लेके आई हूँ। रमज़ान में आप इसको ऐसे ही मेरी रेसिपी की तरह जैसे मैं बनाऊंगी दही को, वैसे ही बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1/2 kg दूध लिया है और उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि अब समर सीज़न चल रहा है तो इसलिए हमें ज़्यादा दूध गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसको जस्ट इतना सा गर्म करना है कि हमारी जो फिंगर है इसके अंदर डिप हो सके, हमारी फिंगर को थोड़ा सा गर्म फील हो के हाँ दूध गर्म हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा ना बॉयल करना है ना ही इसे ज़्यादा देर हमने पकाना है। और यहाँ पर इसके नीचे अब मैंने चूल्हा जला दिया है और इसको हमने अब थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि पकाना नहीं मतलब गरम करना है कि थोड़ा सा बस गरम हो जाए, हीट अप हो जाए, ठीक है। हमें दही के लिए जमाने के लिए दूध को सिर्फ इतना ही गरम करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो दूध है बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो चुका है और अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 tablespoon दही लिया है, घर का दही है ये भी, और इसको मैं अब दूसरे बाउल में निकालूंगी। 1/2 kg दूध के अंदर आपने 1 tablespoon दही का ऐड कर देना है, ठीक है। और इस वाले दही को अब हम इस बॉल में ऐड कर देंगे। और आप लोगों ने ज़रूर ऐसे ही दही को बना के देखना है, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल मीठा दही बनेगा आपका, ठीक है। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो आपका जो दही है वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा बनेगा, ठीक है। और ये जो मैंने दही डाला है बॉल के अंदर, इसमें मैंने जो नीम गरम दूध किया है उसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर दूध की भलाई भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। इधर मैंने इसके अंदर भलाई दूध की ऐड कर दी है, नहीं कि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में जब हमारा दही जम जाएगा तो हम वो भलाई ऊपर से उसकी हटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने दही के अंदर दूध को ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हमने कवर कर देना है, ठीक है। इसको हमने अब कवर करके रख देना है 8 से 9 घंटे के लिए, इसको हमने कवर कर देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए, दही बन जाए जो हमने इसको मतलब कि जाग लगाई है, ठीक है। बॉल को अच्छे से हमने कवर कर देना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। और यहाँ पर जो हमारा है दही, इसको हम चेक करते हैं। इसे 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं हमारा दही रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा माशाल्लाह से परफेक्ट दही रेडी हो गया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा है, नेस्ले जैसा है। आप लोगों ने जब इस पोजीशन पे आएगा नहीं तो इसको फिर हमने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखें, अब हमारा जो दही है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसका अब हम जो बाउल का कवर है इसको हटा देते हैं। माशाल्लाह से ये देखें आप लोग, हमारा जो दही है बिल्कुल रेडी है। इसे को अब सेपरेट सिंपल में खाना चाहें तो वैसे खाएं, और इसकी लस्सी बना के पीना चाह रहे हैं, रायता, दही फुल्की, अब इसके साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से ये देखें आप, दही टुकड़ियों वाला दही बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। आप लोगों ने इसी तरीके से दही बनाना है और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी दही वाली रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।